हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये हमारा है सैमसंग का गुरु 1200i। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैटरी लगाते ही फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है और ये पावर ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को ओपन करना है और सबसे पहले आपको क्या चेक करना है वो हम आपको समझा देते हैं। फ़ोन को सबसे पहले आपको पेज ओपन कर लेने हैं इसके, ठीक है। पेज ओपन करने के बाद जो आपको देखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको जो है हमने ओपन कर लिया है और अभी हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम होगा शॉर्टिंग वगैरह का, तो अभी हम मीटर से चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है और अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम अभी चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए रीडिंग हमारा 400 कुछ आ रहा है, यानी कि ये ठीक है और यहाँ पर ग्राउंड है और ठीक है। अभी हम ये रीडिंग चेक करें, देखिए यहाँ पर 1900 दिखा के चला गया, यानी कि यहाँ पर हमारा इस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी कनेक्टर पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम स्कैन को ओपन करते हैं और कैन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो है कोई बाटर डैमेज वगैरह तो नहीं है या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाटर डैमेज कहीं भी नहीं है। ये फ़ोन गिरने की वजह से कस्टमर बोल रहा है कि फ़ोन जो है उनसे जो है गिर गया था और गिरने के बाद ये प्रॉब्लम आया। तो गिरने के बाद जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ज़्यादातर हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा शॉर्ट है। देखिए यहाँ पर ये टूटा हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हट चुका है हाथ लगाते ही। तो यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे ये शॉर्ट है या नहीं। तो इसको हमने निकाल दिया है और उसको हम चेक करते हैं ये यहाँ पर शॉर्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हम ये रहा, तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं ये शॉर्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर बीप बज रहा है। और इस कैपेसिटर का कलर देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर भी थोड़ा आउट है क्योंकि ये जल चुका है। और अभी आपको क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पर बैटरी लगा कर देखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी फ्लैश लाइट जल रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर GR रीडिंग से यहाँ पर GR रीडिंग चेक करनी है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ से एक जम्पर उठाना है और इस वाले पॉइंट से यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ था वहाँ पर आपको जम्पर कर देना है और अच्छे से जम्पर करना है। और उसके बाद जो है चेक करना है आपको कि ये पावर ऑन होता है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से एक जम्पर लगा देता हूँ इस पर और चेक करते हैं इसको, ये जो पावर ऑन हो रहा है या नहीं। तो गिरने के बाद भी दोस्तों ये प्रॉब्लम हो जाती है और नॉर्मल फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम आती है फ्लैश लाइट की। अगर आपका फ़ोन डेड है और फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है तो आप सबसे पहले इसी जम्पर को यहाँ से कैपेसिटर को निकाल के जो यहाँ पर लगा होता है उसको यहाँ से निकाल कर और डायरेक्टली जम्पर करके देख लें, क्योंकि बहुत सारे फ़ोनों में ये प्रॉब्लम जो है इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने जम्पर अभी यहाँ पर एक लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जम्पर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है। और जम्पर को अच्छे से लगाएं ताकि वो किसी और कैपेसिटर पे टच ना हो या रजिस्टर पे टच ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस जम्पर को यहाँ पर लगा चुका हूँ और प्रॉब्लम जो है आई होप कि अब सॉल्व हो गया हो। अब हम यहाँ पर लगा के देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब फ्लैश लाइट जो है फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है। तो हम अभी फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं ये पावर ऑन हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन जो है पावर ऑन हो चुका है और कोई भी प्रॉब्लम अब इसमें नहीं होगा। सिर्फ आपको एक कैपेसिटर को निकालना है और वहाँ पर जम्पर लगाना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में जिन तक ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये वही फ़ोन है जिस पर हमने जम्पर लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।